ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दूसरी बात है तो वो है हमारा इस दुनिया से अंदर का वैराग। जब तक अंदर से वो वैराग नहीं है तब तक हम इस दुनिया को भूल नहीं सकते। इसके लिए बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं दुनिया मरी पड़ी है। जैसे अर्जुन को भी नष्ट मोहा बनाने के लिए कृष्ण ने क्या कहा, ये सब मरे पड़े हैं, मरे हुए को ही तुझे मारना है। तो अंदर से एक वैराग्य की वृत्ति, ये दुनिया कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से कभी किसी का मोह नहीं होता, श्मशान से तो हमेशा वैराग ही होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुनिया तो कब्रिस्तान मिसल है, सब मरे हुए हैं, देह अभिमान की कब्र में सोए हुए हैं। उन्हों से क्या दिल लगाना, उन्हों को क्या याद करना। तो अंदर की एक वैराग की वृत्ति चाहिए और तभी हम याद में स्थित हो सकते हैं।